नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों कमेंट के अंदर लिखें जय बजरंगबली ताकि बजरंगबली के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों सावन का पवित्र महीना और दोस्तों भगवान भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं दोस्तों बजरंगबली। तो दोस्तों सावन का पहला मंगलवार है और इसी के साथ ही दोस्तों बहुत बड़ा दिव्यागामी योग बन रहा है। इसका मतलब है कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसके अंदर आपको दिव्य सफलता की प्राप्ति होती है और आपके कार्य दिव्य गति से पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सावन के इस पहले मंगलवार अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों इस सावन के पहले मंगलवार आप पीपल के 11 पत्ते तोड़कर लेकर आए और 11 पत्ते तोड़ने के बाद आप क्या करें, पहला काम यही करें कि प्रत्येक पत्ते पर आपको लाल मार्कर, लाल पेन या लाल सिंदूर की सहायता से आपको राम नाम लिख देना है। और दोस्तों राम नाम लिखने के बाद आप क्या करें, प्रत्येक पत्ते को जब भी आप राम नाम लिखें तब आपको हनुमान जी के किसी भी एक मंत्र का ओम अंजनी सुताय नमः या ओम हनुमंते नमः या ओम हूँ फट इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों जाप करते हुए आपको उन 11 पत्तों के ऊपर राम नाम लिख दें और दोस्तों उसके बाद जो बीच का जो पत्ता रहता है माला के अंदर, बीच का जो मुख्य भाग रहता है वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे कि दोस्तों अगर आप धन प्राप्ति की मनोकामना मांगना चाहते हैं, आप पारिवारिक सुख की हनुमान जी से मनोकामना मांगना चाहते हैं, उस प्रकार की मनोकामनाएँ आपको हनुमान जी से मांग लेनी चाहिए। दोस्तों मांगने के बाद आप क्या करें कि पहला काम यही करें कि आप उस माला को, आप जो पत्ते लिए उससे आपको एक माला बनानी चाहिए। और दोस्तों माला के धागे के रूप के अंदर दोस्तों आप या तो फिर काला धागा काम में लें, और अगर आप सांसारिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, हर प्रकार के कार्य के अंदर विजय की प्राप्ति चाहते हैं तो दोस्तों आपको लाल धागा लेना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, या तो आप लाल धागा लें अन्यथा काला धागा, इसके अंदर पीले धागा आपको भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस पीपल की माला, पीपल के पत्तों की माला को लेकर आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर आपको गुड़ का प्रसाद लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। दोस्तों वहां पर आपको बैठकर हनुमान जी को चरण स्पर्श करना है, हनुमान जी के चरणों के आगे बैठें और हनुमान जी के चरणों के आगे बैठकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है और आपकी जो भी समस्याएं हैं हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने आपको बोल देनी चाहिए। ऐसा करते हुए आप हनुमान जी से उन समस्याओं के बारे में आप हनुमान जी से प्रार्थना कर लें और साथ ही साथ हनुमान जी को आपकी समस्याएं दूर करने के लिए कहें। और उसके बाद दोस्तों आप पुजारी जी से कहकर या पुजारी जी के सामने आप खुद जाएं और हनुमान जी के गले के अंदर उस माला को दोस्तों धारण कर दें। दोस्तों पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है और उस माला के माध्यम से दोस्तों जब आप हनुमान जी को सावन के इस पहले सोमवार को अर्पित कर, मंगलवार को अर्पित करते हैं तो हनुमान जी आपको सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बाद में आप पुजारी से कह दें कि मंगलवार के अगले दिन आप उस माला को वापस हनुमान जी के चढ़ाई गई, हनुमान जी को अर्पित की गई माला को पुजारी से कहकर वापस अपने लिए मांग लें। दोस्तों क्योंकि दोस्तों साक्षात हनुमान जी को अर्पित की गई माला के अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है और साथ ही साथ वह माला विशेष सकारात्मक गुणों से भर जाती है। और जब दोस्तों उस माला को आप अपने पास रखते हैं तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता, आपको आपके हर कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है, इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। तब आप क्या करें, उस माला को आप अपने पास रख लें। दोस्तों जब तक वह माला आपके पास घर के अंदर अच्छे स्थान पर रहती है आपको कभी भी दुखों की प्राप्ति नहीं होती है, आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि रहती है। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है तो दोस्तों आप अपने अलमारी, व्यापारिक स्थल के अंदर अलमारी के अंदर या अपना जहां आप हिसाब किताब रखते हैं वहां पर उस माला को रख के देखिए। दोस्तों ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, व्यापार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा प्राप्त होने लगता है। और अगर दोस्तों आप अपने घर के अंदर अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, वास्तु दोष सही करना चाहते हैं या घर के अंदर ही किसी प्रकार की समृद्धि चाहते हैं तो दोस्तों साक्षात हनुमान जी को चढ़ाए गए इस माला की बंदरवार
अपने घर के अंदर लगा लें, अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर लगा लें। दोस्तों आप देखेंगे कोई भी शत्रु आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, आपको इतना अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।